बीएड में एडमिशन लेने के लिए कुछ कंफ्यूजन रहती हैं कॉम्बिनेशन की, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन पूरी मुझे नहीं देते तो मैं वो भी बताता हूँ आपके कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट आर पैडागॉजिकल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन बीएड फॉर ए स्टूडेंट हु हैज़ डन बीएससी कंप्यूटर साइंस। ऑलरेडी इस पर वीडियो भी है, फिर इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, कोई फैक्टर जो है, ये फैक्टर इनकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको चाहिए कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो फैक्टर क्या है, योर इंटरेस्ट। आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो सिक्स्थ क्लास से टेंथ क्लास तक, जहाँ ग्यारहवीं बारहवीं के लिए पीजीटी बनना चाहते हो, और आपका सब्जेक्ट किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसकी टीचिंग को आप इंजॉय करेगे, आप बताओगे, और आपकी मास्टरी नॉलेज किस में ज़्यादा है, ठीक। सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन कौन से पढ़े हैं आपने, इलेक्टिव सब्जेक्ट ज़रूर बताएं अपने, जनरल भी बताएं, इलेक्टिव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी की हुई है या नहीं की हुई, ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आपके लिए गाइडेंस डिफरेंट हो जाएगी। ईयर आपने कितने पढ़े हैं, जनरल सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हैं, 2 साल 1 साल, और इलेक्टिव 1 साल 2 साल 3 साल कितने पढ़े हुए हैं। प्रेफर्ड जॉब इन गवर्नमेंट, ये नेचुरली करोगे ही। आप एडिशनल सब्जेक्ट देने की इच्छा रखते हो कि नहीं रखते हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हमारे कि बीएससी इकोनॉमिक्स, मेरे ख्याल में यही सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है कि सबसे पहले हमारा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए ये गाइडेंस बन रही है कि आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो। अगर टीजीटी टीचर बनना चाहते हो, टीजीटी मीन सिक्स्थ से टेंथ तक के टीचर बनना चाहते हो, प्रेफर यही करते हैं ज्यादा क्योंकि इसकी जॉब ज्यादा होती हैं, तो इनमें से आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कितने साल आपने पढ़ा है, एज इलेक्टिव आपने ये मैथ्स 3 साल पढ़ा है, क्योंकि इसके बेस पर आपको गाइड कर रहा हूं। और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट भी है, मैथ में ज्यादा है, मास्टरी भी ज्यादा है ना, अगर इनको फैक्टर को आपने नहीं काउंट करना, आपकी मर्जी है। टेक्निकली आप टीजीटी और 3 ईयर, क्योंकि 3 ईयर गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी बनाना चाहते हो, तो आपको पहला इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट, मैं यहां लिखने लगा हूं मेजर पेडागॉजिकल सब्जेक्ट, आपको मैथ्स लेना चाहिए। अब दूसरा है कि क्योंकि मैथ्स के लिए आपको कोई एडिशनल पेपर नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, 3 साल आपने पढ़ी हुई है, और टीजीटी है, दैट इज वाई मैथ्स को मत छोड़िए। आप जो बीएससी कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स जो भी इन सब्जेक्ट से आप कर रहे हो। दूसरा, तो दूसरे में प्रॉब्लम है, पहले हम जनरल सब्जेक्ट को नहीं पकड़ रहे। मान लीजिए आपने मैथ के साथ जनरल सब्जेक्ट पंजाबी या इंग्लिश पढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर इसके इनको चूज करोगे तो आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, इलेक्टिव पंजाबी का, इलेक्टिव इंग्लिश का, तो आपको ये 3 साल जो पढ़े हैं इनमें से ही चूज करना चाहिए। तो इनमें से क्या करना चाहते हो, अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो, मास्टरी इसमें ज्यादा है, तो आपके लिए मैथ इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट बन गया, यही क्वेश्चन था आपका। अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपका मैथ्स कंप्यूटर का बनेगा। पर कंप्यूटर बेशक टीजीटी है, लेकिन इसकी जॉब्स नहीं शायद निकलती, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको प्रेफर कर रहे हो तो आपको पेडागोजी ऑफ आपका बना मैथ्स और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स आपको टीजीटी नहीं पीजीटी की तरफ लेके जाएगी, आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और उसके बाद आपको एमए इकोनॉमिक्स अगर की हुई है आपने, तो आप मैथ इकोनॉमिक्स ही लीजिए। अगर आपने मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो मैथ कंप्यूटर लीजिए। अगर आपने कोई भी नहीं की हुई, तो आपको ये सोचना होगा इन तीनों में से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी करनी है। मैथ के साथ, मैथ को नहीं छोड़ना, उसके साथ वो सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट मैथ इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, बीएससी इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। तो इन फैक्टर को सामने रख के आप अपने आप को गाइड कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।